वेलकम टू टेक्निकल शीज़ा मेरा नाम है सोनिया और हम आज यूट्यूब का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं नए साल का नया कोर्स होगा इन सालों में जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगी तो इस कोर्स में ए टू जेड यूट्यूब की आज तक की जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं या जितने भी तरीके आज तक डिस्कवर हुए हैं वायरल होने के या अपना चैनल ग्रो करने के वो सब कुछ आपको इस एक कोर्स के अंदर मिल जाएगा आज तक की तमाम यूट्यूब की नॉलेज तो शुरू करते हैं आज हमारा इंट्रो एंड नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो होंगी वो भरपूर नॉलेजबल होंगी यूट्यूब के कोर्स के लिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो असल अच्छा ये कोर्स शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं कोर्स का जो है वो टाइम हम इनशाला रखेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो उसके अलावा जो भी वीडियोस मैं आपको भेजूंगी आप वो दूसरों से शेयर नहीं कर सकते आप मेरी जो पर्सनल वीडियो है वॉइस वाली वो किसी और को शेयर नहीं कर सकते हाँ आप खुद सिखाना चाहो तो सिखा सकते हो दूसरे सामने वाले बंदे को दूसरा चीज़ ये है कि अगर किसी काम की वजह से आप लेट हो जाते हो आपको पता है आप नौ बजे नहीं आ सकते तो आप ये करो कि आप मुझे पहले का टाइम दे दो अगर मैं फ्री हुई या अवेलेबल हुई या मेरी कोई और क्लास ना आई तो इन मैं उस टाइम पे आपकी आ, क्लास जो है उसको अवेल करवा दूँगी और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनकेस आप कुछ दिनों तक मुझे अवेलेबल नहीं होते और हमारी क्लासेस मुसलसल अगर मिस हो जाती हैं तो मैं ये किया करूंगी कि मैं फिर आपको रिकॉर्ड क्लास करके तो आपको भेज दिया करूंगी वो फिर आप जैसे ही फ्री होगे वो आप सुन लिया करना जी ठीक है अच्छा आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है यूट्यूब के लिए कि वो आप मुझे ये बताओ आप यूट्यूब पर आकर आप करना क्या चाहते हो सुना था ना कॉपी करके होना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके अर्न कर सकते हैं YouTube पे अर्निंग करने के लिए आपका यूनिक होना जरूरी है अच्छा अगर आप है ठीक है आप हो सामने हो तो आपके सामने दो थे हैं ठीक है दो मूवी थिएटर है आपके बिल्कुल घर के सामने है इक्वली दूरी पे है आपको इक्वली दोनों अवेलेबल है और एक जो है उसके अंदर पहले मूवी लग जाती है और जो दूसरा है उसके अंदर तीन दिन बाद मूवी लगती है अब आपके पास पैसे भी हैं आपके पास अवेलेबिलिटी भी है आप जा भी सकते हो टाइम भी है सब कुछ भी है आप किसके पास जाओगे पहले वाले के पास तो यही बात है जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो कोई आपके पास क्यों आएगा सब सब जो है ओरिजिनल कंटेंट वाले के पास ही जाएंगे ना और अगर कोई कॉपी करता भी है तो जिसका कंटेंट होता है ना ओरिजिनल वो कभी भी नहीं चाहता कि सामने वाला कॉपी करके पैसे कमाए वो उसका चैनल वगैरह बैन करवा सकता है बंद करवा सकता है और उसका चैनल हमेशा के लिए बंद हो भी सकता है तो इसलिए कॉपी पेस्ट का अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें आपको अपना ही कुछ बनाना पड़ना है अब आप मुझे ये बताए आप क्या बना सकते हैं या आपके जहन में क्या है कि मैं यूट्यूब सीख रहा हूँ तो मैं आगे जाके ये काम करने के लिए यूट्यूब सीख रहा हूँ तो देखिये आपको मैं ना कुछ आ, बताती हूँ ऑप्शन आप ये ये यूट्यूब पर कर सकते हो अगर आप कहो कि नहीं मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है तो कॉपी पेस्ट जस्ट यही हो सकता है कि आपको सामने वाले की वीडियो अच्छी लगी उसकी तरह की वीडियो आपने बना दी और वो यूट्यूब पर डाल दी इससे ज्यादा यूट्यूब में भी और आपकी जिंदगी में भी कॉपी पेस्ट की कोई जगह नहीं है

बेसिकली अगर आप बाहर जा रहे हो वीडियोस बना रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि ये ये चीज़ इतनी खूबसूरत है ये ये है ये वो है तो ये होगी ब्लॉगिंग की नीच अगर आप म्यूजिक बना रहे हो गाने गा रहे हो तो ये होगी म्यूजिक की नीच अगर आप टेक की वीडियोस बना रहे हो तो ये टेक की नीच है आ, आप गेमिंग की वीडियोस बना रहे हो तो वो गेमिंग की नीच है वीडियो का जो कंटेंट होगा जो आपकी नीच होगी आ, उसकी एक कैटेगरी बन जाएगी ठीक है तो वो जब कैटेगरी बन जाएगी ना तो जिस टाइप के लोग आपको देखते होंगे आपके रिलेटेड नीच देखते होंगे यूट्यूब उन लोगों को आपको रिकमेंड करेगा ठीक है अच्छा अब यहाँ पर नीच क्या क्या है म्यूजिक है गेमिंग है न्यूज है और स्पोर्ट्स है हाँ जी अच्छा अब आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप यूट्यूब पे गाने गा सकते हो अगर आप चाहो तो आप डांसिंग में कर सकते हो अगर आपकी गेम्स अच्छी हैं और गेम आप खेलते हो तो गेमिंग में कर सकते हो अब आपके पास है एक तो मोबाइल और इन फ्यूचर आपको लाजमी ये है कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर पे परचेज करना ही होगा दूसरी चीज ये है कि आपको आज के दिन के अंदर अपनी नीच ढूंढनी है ताकि कल हम उसको लेके आपका यूट्यूब चैनल बना सके अगर तो हम आप चाहो तो इसमें दो तीन चार दिन ले सकते हो ठीक है लेकिन दो चार दिन लेने के बाद भी वही रिजल्ट निकलना है जो ट्वेंटी फोर आवर्स बाद निकलना है तो आप खुद को थोड़ा एक्सप्लोर करो आप देखो कि मैं क्या काम कर सकता हूँ फॉर uh, एग्जाम्पल आपने मुझे बताया था ना कि आप सेल का काम करते हो ठीक है तो आप अपने काम को लेकर भी छोटी वीडियोस बना सकते हो शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो या लॉन्ग वीडियो बना सकते हो कि इस तरह से मैं एक सेल्स मैन हूँ मेरी लाइफ में ये ये प्रॉब्लम्स आती हैं मैं इस तरह से कस्टमर से डील करता हूँ या इस तरह से कस्टमर जो है वो हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं या हमें कुछ कभी कुछ बुरा भला कह देते हैं फिर हमें उनको कैसे हैंडल करना होता है इन सब चीजों को भी लेके आप वीडियो बना सकते हो अगर ये भी आपको नहीं समझ आता तो आप इस्लामिक वीडियो भी बना सकते हो हाँ जी, इस्लामिक जी वीडियोस बना सकते हो मेरे काफी ज्यादा वीडियो है जो कि इस्लामिक वीडियोस बना रहे हैं और उनका काफी अच्छा चल रहा है एक मिनट अभी आपको मैं स्क्रीन शो हो रही है जी हाँ जी ये है क्यूरियस एजेंट इन्होंने हमारे पास से ही कोर्स किया था और इनका ये इस्लामिक चैनल है ये इनका वर्क है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इनको भी इनका पहले था फैशन का चैनल था तो इनको फैशन के अंदर ये सेम वही काम कर रही थी कॉपी पेस्ट कर रही थी जो भी इनको फैशन की वीडियोस वगैरह आती थी या क्लोथिंग की वीडियोस दूसरे ब्रांड इनको भेजते थे वो यूट्यूब पे डाल देती थी इससे उनका जो था ना चैनल तो ग्रो हो गया था लेकिन कॉपी पेस्ट के काम में आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते मोनिटाइजेशन नहीं होती है तो फिर इनको मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर आप इस्लामिक वीडियोज़ जो है वो बनाना शुरू कर दो फिर इन्होंने इस्लामिक वीडियोज़ बनाना शुरू की तो अभी इनका स्टार्ट ही है अब वन मंथ है और इनके सिक्स हंड्रेड व्यूज थ्री हंड्रेड व्यूज टू हंड्रेड व्यूज इस तरह से करके अब इन जो है ना वो आ रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है नए चैनल के लिए अब मैं यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ना टिप एंड ट्रिक्स भी बता देती हूँ अगर आपने राइट करनी हो तो आप राइट भी कर सकते हो और अगर आपने ना करनी हो तो उसका इशू नहीं है क्योंकि ये जो है, ये जो क्लास है रिकॉर्ड करवा के मैं आपको भेजूंगी ठीक है सही। अच्छा नीच के बारे में ना हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं नीच क्या होती है ये कैसे चूज किया जाता है फिर उसके बाद अनफेयर एडवांटेज किस तरह से होता है इस चीज के बारे में अच्छा तो कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी ही होती है कोई इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है मतलब इसमें सो के सो गुण है किसी इंसान के बारे में आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही निकम्मा है इसमें कोई चीज है ही नहीं ठीक है हर एक इंसान के अंदर एक ना एक चीज़ रखी होती है जैसे हर एक जानवर के अंदर एक खूबी होती है मछली तैर सकती है बंदर आराम से जो है वो दरख्तों पे चढ़ सकता है इसी तरह कोई ना कोई एक इंसान होता है पैदाइशी तौर पे या तो वो पेंटिंग में अच्छा होगा या वो सिंगिंग में अच्छा होगा या वो मैथ्स में अच्छा होगा या उस, उसको उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी या फिर ये होगा कि उसके आ, उसका मेकअप बहुत अच्छा होगा बचपन से ही उसको मेकअप करने का शौक होगा या हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाता होगा या कुछ भी इस तरह की शायरी बहुत अच्छा लिखता होगा या कुछ भी एक ना एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को करने का शौक भी बहुत होता है और अल्लाह ने उसके अंदर एज अ गोड गिफ्ट रखी भी होती है तो आपका वो चीज बन जाती है अनफेयर एडवांटेज ठीक है अगर अब मैं हूं ना तो मुझे क्या है कि अगर मैं एक लड़की हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कुकिंग के चैनल ही बनाऊं या ब्लॉगिंग के चैनल ही बनाऊं मुझे अब स्टार्टिंग से ही मोबाइल्स के बारे में कंप्यूटर के बारे में इस बारे में नॉलेज लेने का और साथ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का ज़्यादा शौक है मुझे टेक की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉलमेंट पसंद है और स्टार्टिंग से मेरी रही भी है बचपन से कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करना और इनमें इंटरेस्ट लेना मेरा मेरी पर्सनल हॉबी रही है इसके अलावा मुझे पेंटिंग वगैरह का थोड़ा सा शौक़ है तो अब जब मैं बड़ी हुई हूँ मेरे पास करियर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा आप कह लें कि सुकून मिला है वो ये है कि मैं टेक की चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने अपना यूट्यूब का टेक चैनल ओपन किया है प्लस ये कि मेरी पेंटिंग अच्छी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरी समझ जो है वो दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसीलिए मुझे सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जो भी क्लाइंट्स मुझे वर्क देते हैं वो भी मैं अच्छे से करके देती हूँ क्योंकि वो मेरी नीच है अब ऑन दी अदर हैंड अगर कुछ चीज़ मेरा अनफेयर एडवांटेज ना हो और मैं उसमें चली जाऊँ मिसाल के तौर पर कुकिंग हो ठीक है कुकिंग हो और मैं एक शेफ बन जाऊं या मुझे ये हो कि मैंने जो है अब बहुत अच्छे से अच्छा खाना बनाना है तो क्या होगा कि मैंने बचपन से कुकिंग नहीं किया है ठीक है अब मैं जब पाए बनाने जाऊंगी या निहारी बनाने जाऊंगी तो ओब्वियसली मैं उसके अंदर ब्लेंडर करूंगी ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीख सकते हो लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है और वो आपका अनफेयर एडवांटेज भी नहीं है तो एक तो आप उसमें कभी कामयाब नहीं होने वाले दूसरा आप उसमें ढेरों ढेर गलतियां करोगे तो इसलिए जब भी कोई आपने यूट्यूब के ऊपर नीच चुननी हो या किसी भी फील्ड को चुनना हो एज अ करियर तो आप हमेशा उसको चुनो जो आपको लगे कि आपका अनफेयर एडवांटेज है हो जरूरी नहीं है कि बचपन से ही आप वो करते आ रहे हो तो ठीक है बचपन से मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ जो है यही होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आप एज की किसी भी हिस्से में डिस्कवर करते example, हो कि मेरी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बड़े होके डिस्कवर करते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो वो सिंगर बन जाते हैं कि आपने ये लाजमी देख लेना कि मेरे पास ऐसी चीजें जरूर मौजूद होनी चाहिए मैं चीजें ऐसी अपोर्ड कर सकता हूँ या इन फ्यूचर मैं ऐसी चीजें अपोर्ड करूंगा ब्लॉगिंग के लिए अगर आपके पास अच्छा माइक नहीं है अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है और आप फिर भी ब्लॉग कर रहे हो और ऊपर से आप लड़की भी नहीं हो और आप फिर भी ब्लॉक कर रहे हो तो वो आपकी ब्लॉगिंग नहीं चलने वाली ठीक है उसके लिए आपके पास एटलीस्ट एक अच्छा तो फोन होना जरूरी है जिसके अंदर अच्छा कैमरा हो प्लस एक अच्छा माइक होना जरूरी है व्यूवर्स को आपकी आवाज़ अच्छी आए और आपका बातूनी होना जरूरी है कि आप जो है फटाफट चीजें बोल सको आपके पास करने के लिए नई नई बातें हो जिससे आपकी व्यूवर्स जो है वो एंटरटेन हो इसके अलावा कॉपी पेस्ट जो है ना वो तो नहीं चल सकता अब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जब उनका चैनल नहीं चल रहा होता या उनके चैनल पर व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे होते तो वो जान बूझ के ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें मासूम आवाम जो है वो फंस जाए आपके या मेरे जैसे लोग ऐसे बड़े बड़े चैनल को जब फॉलो करते हैं उनकी सो बातें अगर सच होती हैं और एक वो बीच में से वायरल होने के लिए कुछ कर देते हैं ऐसा और बाद में वीडियो के एंड पे ना वो कुछ ऐसे हिंट्स दिए होते हैं उन्होंने कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा तो वो सीधी सी बातें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं उनकी बातों पे नहीं चलना चाहिए अभी आ, एक दो महीने पहले काशिफ मजीद की भी कोई ऐसी बात आई थी कि उन्होंने कहा था कि यूट्यूब की मोनिटाइजेशन ही बंद हो गई है हालांकि ऐसा नहीं था तो यूट्यूब यूज करते हुए मैं आपको यही कहूंगी कि कोई एक या दो ऐसे बंदे जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट हो और जो अच्छी और ऑथेंटिक बात बताते हो सिर्फ उनको देखें बाकी हर टेक वाले को देखना नहीं होता अगर आप हर टेक वाले को देखोगे लो, अलग अलग लोग -अलग, अलग अलग टिप एंड ट्रिक्स बताते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे अच्छा इसके अलावा एक दो मैं आपको चीजें बता देती हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है आ, ट्रेंडिंग में थोड़ी सी मुश्किल है मुश्किल है लेकिन ये देखिए आप जैसे कि ये डोरेमोन है डोरेमोन के इस टाइम पे यूट्यूब पर जितने भी कार्टून अवेलेबल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसके सही ओनर की तरफ से ही है बहुत सारे लोगों ने खुद एनिमेशन करके तो उसकी आ, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के तो चैनल्स बनाए हुए हैं और उस पर कॉपी राइट नहीं है जस्ट उन्होंने एनिमेशन की हुई है ठीक है एनिमेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है स्क्रिप्ट लगन, लिखने में टाइम लगता है लेकिन ये कंटेंट काफी ज्यादा चल जाता है उसके अलावा कुछ और मैं आपको एक दो चैनल बता देती हूँ जैसे कि ये है हंटिंग टू इसके अंदर देखिए इतनी मेहनत नहीं है ना आपने सामने आना है ना आपने कोई स्क्रिप्ट लिखनी है ना कुछ और करना है ये देखें आप एक मूवी देखने गए फैमिली के साथ या घर पे एक मूवी देखी उसके दो चार स्क्रीनशॉट ले लिए या चलो दस बारह स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब पर डाले पीछे उस मूवी की जो भी कहानी थी वो सारी बोल दिया मूवी का रिव्यू दे दिया तो ये आपकी वीडियो बन गई बस उसके अलावा एक और है उसके अलावा पाकिस्तानी अच्छा, सीरियल्स का कर सकते हो रिव्यू इधर डब इस्लामिक कार्टून डब इस्लामिक कार्टून भी अच्छे हैं और उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना होता है एक ये कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन ये भी आजकल चल रही है अच्छा ये उमर एंड हना एंड दूसरे लोगों के आगे हैं ठीक है जो इंग्लिश में कार्टून थे वो डब करके वो करते हैं इसका मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं होता कि किसी की भी वीडियो आपने डाउनलोड की उसको डब किया यूट्यूब पे डाल दिया और पैसे कमाने लग गए नहीं ये जिसके ऑथेंटिक कार्टून है आपको उससे बात करनी पड़ती है कि मैं पाकिस्तान में आप, आपका चैनल का एक उर्दू वर्जन खोलना चाह रहा हूँ जब आप उससे बात करते हो तो वो फिर आपके साथ मीटिंग करते हैं वो आपको अपने वीडियोस यूज करने का लाइसेंस देते हैं यूट्यूब पे ना कुछ लाइसेंस होते हैं जैसे बाहर की कंट्रीज में कोई भी नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस या ग्रीन कार्ड चाहिए होता है ना वैसे यहाँ पर यूट्यूब पर आपको लाइसेंस मिलता है कि ठीक है ये बंदा मेरी ये वीडियोज डब करके यूज कर सकता है उसमें क्या होता है आधे पैसे आपको उस ओरिजिनल बंदे को देने होते हैं और आधे पैसे आपने खुद अपनी पॉकेट में रखने होते हैं ये होता है डब कार्टून का या इन सब कुछ का सीन होता ही है ये मतलब कितने व्यूज हो तो एक डॉलर बनता है कितने व्यूज हो तो एक डॉलर बनता है या ये चीज आपको कभी जिंदगी में कोई नहीं बता सकता कि कितने व्यूज होंगे तो कितना डॉलर बनेगा उसका रीजन जो है वो ये है कि अब अगर मेरा चैनल जो है वो वो टेक का है 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 और मेरा मनी है वो मनी टॉपिक जो के ऊपर तो मेरे 800 900 नौ सौ व्यूज के ऊपर डॉलर बन जाता है और अगर मेरी ऑडियंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या कनाडा की होगी तो 200 व्यूज के ऊपर भी या 10 व्यूज या 15 व्यूज के ऊपर भी मेरा एक डॉलर बन जाएगा उसके बरक्स अगर मेरा चैनल है मेकअप के बारे में तो फिर या फिर मेरा चैनल है बच्चों की वीडियोस के बारे में तो चौबीस से पच्चीस सौ लग सकते हैं एक एक डॉलर बनने में और शॉर्ट्स की अगर बात की जाए और अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो वो तो फिर मिलियंस में ही चले जाते हैं कुछ मिलियंस के ऊपर आपको एक डॉलर मिलता है और बड़ी वीडियो की बात की जाए तो बच्चों के चैनल के ऊपर आपको तीन हजार या चार हजार पे मिलता है एक डॉलर डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे अगर टॉपिक ट्रेंड जा रहा है तो ज्यादा डॉलर मिलेगा अगर वो पुराना टॉपिक आप उठा के लगाते हो तो फिर उसमें इतना ज्यादा नहीं है सही मेन आपको यूट्यूब पर अगर अर्निंग आती है ना तो वो मनी के टॉपिक पे आती है लेकिन ये है कि मनी के टॉपिक पे आपकी ग्रोथ बहुत कम होते हैं चांसेस ग्रोथ होने के क्योंकि हर बंदा जो कि

आ, आ, तो ये नहीं सही होता है, ऐसा कुछ चेंज ही हो जाती है ना अच्छा उसमें ना ये होता है रिएक्शंस चैनल जो होते हैं ना उनको यूट्यूब में कहा जाता है क्लेवर उनकी अपनी कोई मेहनत होती नहीं है उन्होंने सिर्फ बोलना होता है या ये बताना होता है कि ये वीडियो वायरल जा रही है मेरे इस पे ये ये व्यूज है तो उनको जो है वो पैसा मिल जाता होता है यूट्यूब की तरफ से लेकिन ना अब इसमें दो चार टिप एंड ट्रिक्स होती है जो की लोग नहीं जानते वो ये होती है कि जब आपने पहली एक सौ या पाँच सौ वीडियो बनाई है ना तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने वो कार्टून की वीडियो या जो वीडियो आप दिखा रहे हो वो बड़ी दिखा दी और अपनी वीडियो छोटी दिखा दी है नहीं आपको हमेशा अपनी वीडियो बड़ी दिखानी पड़ेगी और जो भी वीडियो के बारे में आप बात करना चाहते हो वो वीडियो आपको छोटी दिखानी पड़ेगी जब एक बार आप चे, आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है या आपकी काफी ज्यादा ऐसी वीडियोस हो जाती हैं जो आपके चेहरे के साथ हैं आपने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं लगाई हुई कि यूट्यूब को देख के लगे कि सामने वाले की वीडियो से पैसा कमाना चाहता है और रिएक्शन नहीं कर रहा तो फिर आप बना सकते हो ऐसी वीडियो के जहां पर बड़ी स्क्रीन पर आप कार्टून लगा दो छोटी स्क्रीन पर अपना चेहरा लगा के तो उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दो उसमें भी ये कि आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं साथ में आपको रिव्यू एक्चुअल रिव्यूज देने होते हैं कि हाँ ये यहाँ पर इन्होंने ठीक बात कही है यहाँ पे गलत बात कही है प्रॉपर बोलना पड़ता है आपको यानी कि शुरू में बताना पड़ेगा ये वीडियो ऐसी है यानी कि देखें इसमें क्या होता है कैसे होता है सारा सिस्टम हाँ जी ये बता रहे आप रिएक्शन चैनल खोल रहे रिएक्शन चैनल भी ठीक है उसमें आपको सामने आना पड़ेगा तो में चलेगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो साथ चल रही है। हो रही। मुझे कोई मसला नहीं है मसला मेरा नहीं है ठीक है और YouTube अपनी पॉलिसीज के अंदर 19 20 नहीं करता है मेरी तरफ से तो आप बेशक ऑडियो लगाए ना लगाए मुझे तो कोई इशू नहीं है इशू यूट्यूब को है कि वो कहते हैं कि अगर रिएक्शन चैनल आपने है। तो उसमें फेस शो होना जरूरी है अब ये चैनल मैंने आपको दिखाया ये है एट एट, एट मिलियन के इनके सब्सक्राइबर्स है आप बिल्कुल दोनों सामने भी आते हैं फेस भी दिखाते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन पहले जो इनकी वीडियोस थी ना वो क्रिकेट पे हुआ करती थी और रिव्यूज पे हुआ करती थी ये मूवीज के रिव्यू भी करते थे और साथ में लोगों से जाके भी इंटरव्यू भी करते थे कि क्रिकेट के बारे में ये आ, आपको चीज कैसी लगी अच्छी लगी या बुरी लगी आपको कैसा लगा कि इसने पाकिस्तान ने मैच जीता या इंडिया ने मैच जीता इस टाइप की वीडियोस ये बनाया करते थे ये देखिए जैसे कि ये, ये अभी जिस पे मेरा माउस टिका हुआ है ना ठीक है वहां पर क्या है कि कुछ वो उन्होंने दूसरे चैनल की वीडियोस डाली हुई है कुछ अपने फेस की वीडियो डाली हुई है और ये सिक्स अगो की वीडियो है हम जब आप एक बार नीश अपना पकड़ लेंगे ना नीचा आपको पता होगा कि मैंने ये नीच रखना है तो उसके बाद YouTube पॉलिसीज के ऊपर हम एक प्रॉपर क्लास लेंगे उसमें ये होगा कि YouTube की तमाम पॉलिसीज मैं आपको सिखाऊंगी प्लस ये कि हर छह से आठ महीने बाद YouTube की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने कहाँ से रीड करनी है ठीक है जी ठीक अब कल आप मुझे कल जब हम नौ बजे क्लास लेंगे तो उससे पहले आपने मुझे कंफर्म कर देना कि ये मेरी नीच होगी और कल आपने अपना एक मोबाइल नंबर ऐसा जो कि आपने किसी और को नहीं देना जो कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास नहीं होना चाहिए वो आपने एक मोबाइल नंबर लेके बैठ जाना है हम उसके ऊपर आपकी आईडी वगैरह रेडी कर देंगे आपको वीडियो कंटेंट दे दूंगी आपका सारा एक हफ्ते का मैं आपका होमवर्क आप कह लें कि मैं आपको पकड़ा दूंगी आपने उसके ऊपर मेहनत करनी है फोकस करना है और नेक्स्ट फ्राइडे तक इनशाला हम आपकी पहली वीडियो रेडी करवा के अपलोड करवा देंगे चलें ठीक है फिर आज की क्लास अब यहीं पर खत्म करते हैं तो इनशाला फिर कल आप रेडी रहिएगा ठीक है लाफिस। ओके अल्लाह हाफिज